जिले में रफ्तार का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को रौंद कर ग्रामीणों को सड़क पर उतरकर विरोध करने को मजबूर कर दिया है। सड़क हादसे का ताजा घटना कांकेर भानु प्रतापपुर के मुख्य मार्ग के ग्राम बार देवरी की है, जहां आज सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 स्कूली छात्रों को रौंदते हुए अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। घटना के समय मौजूद रहे अन्य छात्रों ने बताया कि वे सभी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जो दौड़ लगाने के बाद सड़क किनारे पीटी कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रही अज्ञात ट्रक ने उनके साथियों को रौंद दिया। वहीं इस घटना के बाद ये रहा कि एक बस चालक ने साइड दिखा रहे अपने ही कंडक्टर को ही रौंद डाला, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बस चालक की जमकर पिटाई कर दी। इस तरह एक दिन में कुल 5 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। सड़क हादसे का शिकार हुए ग्रामीण छात्रों के बारे में ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी दी कि सभी छात्र 15-16 वर्ष के थे, जो फौज और पुलिस में नौकरी पाने के लिए रोजाना अभ्यास में आते थे, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी जान ले ली। इसके पहले भी इसी जगह कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा मिल पाया है। सड़क हादसे में 4 छात्रों की मौत की खबर के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे कांकेर भानु प्रतापपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग और प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे ग्रामीणों को समझाने में जुटे। एसपी कलेक्टर के समझाइश के बाद ग्रामीणों ने 5 घंटे बंद किए मार्ग से चक्का जाम छोड़ शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। सड़क में 4 स्कूली छात्रों की दर्दनाक मौत की घटना पर जिला प्रशासन ने सभी मृतक परिवारों को क्रियाकर्म के लिए तत्काल 25,000 मुआवजा राशि देने का बात कहते हुए आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया है। आज बड़ा ही दुर्भाग्यजनक रहा कि 4 मासूमों की जान जो है रोड एक्सीडेंट में चली गई, और इससे जो विचलित ग्रामीण थे वो लोग यहाँ पे सड़क जाम करके उनकी मांग थी। एक तो जो दोषी ट्रक चालक है उसको तत्काल अरेस्ट किया जाए, साथ साथ में जो उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे थे, तो इनकी बातों को हमने संज्ञान में लिया है और हमने आश्वस्त किया है कि इसका जो है हम शीघ्र वो जो दोषी चालक है उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और उनको उचित मुआवजा मिले, इसके लिए भी हम राज्य शासन से बातचीत करके उनको जो मुआवजा राशि है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। फिर जिस वक्त ये घटनाएं रही थी उस वक्त CCTV ये सब जो नहीं थी व्यवस्था में, आज की तारीख में हमारे पास अलग अलग स्थानों पर CCTV कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि बारदेवरी गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। सुबह सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी से 4 लड़कों की मृत्यु हो गई है। हादसे को रोकने के लिए हम लोगों ने बस अभी जैसे सभी पूरे ज़िले में CCTV का हम लोगों ने कवरेज बढ़ाया है, जिसमें नंबर प्लेट रीडिंग की भी सुविधा रहेगी, तो जो भी गाड़ियां स्पीड में जाएंगी उनका नंबर हम लोग तत्काल नोट करके उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास स्पीड रेडार की गाड़ी है, पूरे हाईवे में और पूरे स्टेट हाईवे में हम लोग यही प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर चालानी कार्रवाई करके शराब पीने वालों के लिए ब्रेथनलाइजर का यूज़ करके कार्रवाई करें और इस तरह की घटना